दोस्तों इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सीरीज यानी कि रामायण। रामायण तो आप लोग सभी देखे हैं। किसका रामायण? आज मैं बात करने वाला हूँ रामानंद सागर का रामायण। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि रामानंद सागर रामायण आखिर जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, जिसको बनाने में कितनी लागत हुई होगी, कितना खर्च किया होगा, कितने समय लगे होंगे और आने वाला समय में कितना पैसा कमाया होगा। दोस्तों आज इसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि रामानंद सागर रामायण आखिर कितना पैसा कमा चुका है और कितना नोट छाप चुके हैं, इसके बारे में सुनिए पूरी वीडियो में। 33 साल पहले रामानंद सागर ने रामायण बनाई है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे, उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। टीवी ना होने पर पड़ोसी के घर भी भीड़ लग जाती थी। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगते थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारी शो बनाकर रामानंद सागर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। आज लॉकडाउन के वक्त इस ऐतिहासिक शो का रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। जानते हैं इस शो से जुड़ी अहम बातों को। रामानंद सागर के लिए 80 के दौरे में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन रामानंद सागर जो कि टीवी पर आने से पहले फिल्में बनाया करते थे, उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़कर टीवी का रुख करना कईयों को नहीं पता था। फिर रामानंद सागर ने रामायण बनाने की सोची, लेकिन कोई भी उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। रामानंद सागर और उसके बेटे ने फंड जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं लगी। प्रेम सागर ने बताया था कि उसके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी थी और उन्हें ठाना हुआ था कि ये 3 माइथोलॉजिकल सोर्स रामायण, कृष्णा और दुर्गा जरूर बनाएंगे। रामायण को सपोर्ट ना करने की खास वजह ये थी कि तब लोगों को लगता था कि मूछ और मुकुट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसी बीच रामानंद सागर ने 1986 में शो बनाया विक्रम और बेताल। ये शो जबरदस्त हिट हो गया और विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर की प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर मिलने लगी। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का हर एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस दौर में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्च बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता था। रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 के डाटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। BCC के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया शो बन गया। रामायण की सफलता का अंदाजा इस बात से लगता है कि इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले 72 एपिसोड की सीरीज थी, बाद में 3 बार एक्सटेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। रिपोर्ट है कि रामायण का शूट 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के अंबर गांव में शूट किया गया था। भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोश को मेकर ने लक्ष्मण के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन वो शो को लंबा समय नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रामानंद सागर का रामायण का सबसे बेस्ट किरदार कौन था और किसकी वजह से रामानंद सागर इतना फेमस हो गए थे? और यदि दोस्तों आप एक सच्चे हिंदू हो और सच्चे हिंदू का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक यही विनती है, तो आप हमारे वीडियो में जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखे। और यदि आपको पसंद लगी और यदि धार्मिक वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इतना ही आपसे विनती करता हूँ। चले दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में।